हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, एंड आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीज एंड आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स है। तो इसमें हम लोग काफ़ी लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी इन्वायरमेंट होने वाली है, इकॉनमी, और कल आपकी एक साइंस एंड टेक की भी पोर्शन आ गई है, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पॉलिटी की जो फर्स्ट लेसन थी वो मैं फिर से यहाँ पर अपलोड की हूँ। बहुत कम स्टूडेंट आप लोग में से देखे हो, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ कि फिर से आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग को फर्स्ट लेसन जो मैं पहले अपलोड की थी उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो उसके कारण काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसको फिर से रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसके फर्स्ट लेसन को भी देख लीजिए, फर्दर यहाँ पे जितनी भी लेसन है आप लोग देख लीजिए, ओके। और यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट की। सिक्योरिटी हम लोग बाद में कर लेंगे जिस दिन मुझे टाइम नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ दो ही आपकी आर्टिकल है, तो मैं इसको जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहूँगी तब मैं उस दिन यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर लेसन दे दूँगी। आज मेरे पास टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ कि इन्वायरमेंट मैं ज़्यादा से ज़्यादा डील कर दूँ। और टोटल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ज़्यादा ही आर्टिकल है, इस बार यहाँ पर 13 आर्टिकल है, तो देखती हूँ कि अगर ज़्यादा लेंदी आर्टिकल नहीं होंगे तो दो ही लेसन में मैं कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी, ओके। तो कल जो यहाँ पे साइंस एंड टेक की जो लेसन थी उससे रिलेटेड आपको लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग देखे हो तो प्लीज़ आंसर कीजिएगा जिससे कि आप लोग के रिवीजन हो सके। साथ ही अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिए जिससे कि आप लोग बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। तो पहले आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर हम लोग लेसन में वापस आएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 क्वेश्चन है आपके लिए साइंस एंड टेक के ये आपका लेसन से। फर्स्ट है कि आपको डिफाइन करनी है कि ई सिगरेट किसे कहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे एक बिल देखे थे, प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट बिल 2019, तो ये अब कानून आ चुकी है, तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये मार्केट पकड़ी थी बहुत ही स्टार्टिंग में, और अब जाकर इसको एक ब्लैंकेट बैन कर दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात होती है अगर इस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना वो बहुत हाईलाइटेड हो जाती है, एंड यूपीएससी में इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की बात तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके। तो ये आप बताइएगा कि ई सिगरेट जो है इस बिल के अकॉर्डिंग किसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि आप लोग यहाँ पे कार्टोसैट सैटेलाइट से क्या समझते हो, कार्टोसैट जो सैटेलाइट है इसके बारे में आप लोग को बतानी है। थर्ड, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में कि एक अमेरिकन कंपनी है स्पेसएक्स, रिसेंटली उन्होंने स्मॉल सैटेलाइट 60 स्मॉल सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है। प्रोजेक्ट का नाम आप लोग को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो 3 क्वेश्चंस मैं पूछ रही, बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पर आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में हमारी शुभ शुरुआत जो है वो हर बार की तरह इस बार भी एयर पॉल्यूशन है। हर बार हम लोग कोई ना कोई पॉल्यूशन से ही स्टार्ट करते, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, मैराइन पॉल्यूशन हो, प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, तो पॉल्यूशन वाली जो ये आर्टिकल होती है बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट होती है। और इस बार दिल्ली की तो आप लोग जानते हो कि क्या ही क्या है ना। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि एक डिबेट निकल कर आया है कि किस तरीके से बहुत सारी सोर्सेज है जो कि यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करती है, जिससे कि एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दिल्ली में। अब कुछ और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इशू है, जिसके कारण आप देखोगे कि सबकी अटेंशन यहीं पे अटकी रहती है। हर एक जगह आप लोग देखोगे कि दिल्ली की पॉल्यूशन के बारे में ही ज़्यादा से बात होती है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा कहा जा रहा है। जो एयर पॉल्यूशन का सिचुएशन है ना वो बहुत ज़्यादा पिक में चला जाता है, और हर साल आपको विंटर्स के सीज़न में देखने को मिलेगा, स्पेशली जो ये दीपावली के बाद वाला जो सीज़न होता है, ये जो आपका छठ पूजा के बाद से जो सीज़न चलता है, दीपावली के बाद से जो सीज़न चलता है, उसके बाद से विंटर तक बहुत ही ज़्यादा ये पिक पे होती है। और नवंबर और दिसंबर जनवरी ये 3 महीने की जो हालत होती है दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। तो यहाँ पे की सोर्सेस बताया जा रहा है कि क्या क्या की सोर्सेस है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन हम लोग को दिल्ली में देखने को मिलता है। मेनली यहाँ पे 5 की सोर्सेज हैं। सबसे पहली तो बात है व्हीकल्स। आप लोगों को पता है कि कितने ज़्यादा आपको व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रक्स हो गए, डीजल व्हीकल्स हो गए। साथ ही साथ जो आज के डेट में आप देखोगे कि नंबर ऑफ जो व्हीकल्स है, चाहे वो 4-व्हीलर हो या 2-व्हीलर हो, बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो गए, हर घर में देखने को मिलेगा। साथ ही एक इंसान के पास दो से तीन होते हैं, तो ये एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूट करती है। साथ ही डीजल वाले जो व्हीकल्स होते हैं, पेट्रोल वाले व्हीकल्स होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस निकलती है, जिसके कारण हमारी जो एयर है वो पॉल्यूट होते जा रही है। सेकेंड चीज़ है जो पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज़ में जो कंबशंस होती है, क्योंकि यहाँ पे आपका डर्टी फ्यूल यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेटकॉक होते हैं, कोल होती है, बायोमास होती है, तो ये सब गंदी फ्यूल यूज़ होने के कारण जब ये जलती भी है, बर्न होती है ना, कंबस्ट होती है, तो इसके कारण जो है एक गंदा धुआं निकल कर आता है, जिससे हमारी इन्वायरमेंट जो है पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। साथ ही गार्बेज बर्निंग है, आप लोगों को भी पता है जितने भी कूड़े वगैरह होते हैं उसको ओपन में यहाँ पर आपका लैंडफिल किया जाता है, उसके बाद उसको जला दिया जाता है। तो ये क्या है कि इसमें कोई भी कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल नहीं देखने को मिलता है, एक मैनेजमेंट नहीं देखने को मिलता है, जिसके कारण गार्बेज बर्निंग के कारण हम लोग को एयर पॉल्यूशन की यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है।
साथ ही आप लोग नेक्स्ट देखोगे तो ये डस्ट मैनेजमेंट है। डस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो कि एक आप लोग को पॉल्यूशन में और भी ज़्यादा एक फैक्टर्स ऐड होते हुए दिखेगी। साथ ही अगर बात करें तो क्रॉप रेसिड्यू यहाँ पे बर्निंग है, जो क्रॉप होते हैं उसकी जो रेसिड्यू बच जाती है उसकी भी यहाँ पे आपको बर्निंग देखने को मिलेगी, क्योंकि फार्मर्स के पास यहाँ पे कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है, वो अपने बर्निंग को ओपन गार्डन में ओपन फील्ड में वो जला ही देते हैं, उसके बाद उनके पास कोई भी इस तरीके का अल्टरनेटिव नहीं होता है। तो ये 5 मेजर की इशू है जो कि बताया जा रहा है और ये सोर्सेज है जिसके कारण दिल्ली में हम लोग को एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब देखते हैं क्या क्या एनालिसिस किया गया है हर एक सेक्टर पे, हर एक सोर्सेज पे यहाँ पे बहुत अच्छे से एनालिसिस किया गया है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके आंसर राइटिंग में, साथ ही साथ आपके एनालिटिक पावर को बढ़ाने में। तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे प्राइम सस्पेक्ट किया जा रहा है, जो क्रॉप की स्टबल बर्निंग होती है। स्टबल बर्निंग कहने का मतलब है कि जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जितने भी कचड़े बचते हैं उनको ओपन फील्ड में ओपन एयर में जला दिया जाता है, जिसको हम लोग स्टबल बर्निंग कहते हैं। तो ये स्टबल बर्निंग हमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाले साइड में देखने को मिलता है। जब से विंटर आने स्टार्ट करती है तो इससे आने से पहले क्या होता है कि पैडी को हार्वेस्ट किया जाता है इन तीनों स्टेट में। तो पैडी जब यहाँ पर हार्वेस्ट होती है तो वो हैंड से किया जाता है और ये इसके बाद जो है ये क्लोज टू ग्राउंड यानी कि ग्राउंड में ये जो है ना कट करके इसको हैंड से ही किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेजेस और जो फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि सब्सिडीज़ जो है वो हायर मेकेनाइजेशन लेवल पे आ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। कंबाइन अगर हम लोग इसको हार्वेस्टर्स के साथ करें तो यहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर इसको हम लोग मशीन से अगर इस चीज़ को करें ना तो इतना ज़्यादा क्रॉप रेसिड्यू नहीं रह जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ के फार्मर्स इसको हाथ से हार्वेस्ट करते तो यहाँ पे जो क्रॉप रेसिड्यू है वो बहुत ज़्यादा बच जाती है। तो ये भी एक कारण है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम और ज़्यादा ऐड हो रही है। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट है जो कि 2009 में पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि फार्मर्स जो है ना वो लॉन्गर सो राइस में नहीं जाते थे जो कि अप्रैल मंथ में होती है, बट वो यहाँ पे वेट करते थे जब से आपका जून की मिडिल में जो होती थी तब से वो वेट करते थे। इसी तरीके से हरियाणा ने भी पंजाब को फॉलो किया और इसी तरीके का सिमिलर एक कानून वो अपने स्टेट में भी लेकर आए। तो पैडी शोइंग और जो हार्वेस्टिंग साइकिल है ना वो आर्टिफिशियली शिफ्ट हो गई हमारे 2 महीने के बाद, यानी कि जो अप्रैल से होना चाहिए तो वो जून से स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 से फार्मर्स के पास सिर्फ 15 डेज होते थे कि वो अपने लैंड को रेडी करें वो भी वीट शोइंग के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलना स्टार्ट हो गई। अगर देखें तो हाई क्रॉप रेसिड्यू जो है वो क्यों होती है, मेकेनाइजेशन के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण, क्योंकि वो यहाँ पे अलाउ करती है कि राइस को आप उगाएं सिर्फ यहाँ पे मिड ऑफ जून से ही, मींस मिडल ऑफ जून से ही यहाँ पे राइस को उगाने का यहाँ पे हक दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका लीथल कॉम्बिनेशन है दिल्ली एयर्स के लिए ये देखने को मिलता है। तो ये बस क्या हो जाता है कि 15 डेज रह जाता है कि फार्मर्स को अपने लैंड को प्रिपेयर करने के लिए, और फार्मर्स को यहाँ पे फोर्स हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से अपने क्रॉप रेसिड्यू को जला कर जो है जल्दी से लैंड को क्लियर करें जिससे कि वो फिर से नेक्स्ट क्रॉप यहाँ पे लेकर आए। विंड पैटर्न की बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो विंड है दिल्ली की वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट से और समटाइम्स ये वेस्ट से ही आती है। तो विंड मास जो है ना ये आपका पंजाब, हरियाणा और कुछ पार्ट जो राजस्थान की है उसमें से वो फ्लो होते हुए आती है, उसके बाद ये दिल्ली में जाती है। फिर इससे क्या होता है कि काफ़ी पॉलिटेंट्स वो पिकअप कर लेती है इसी तरीके से, यानी कि ये आपका उस सारे रीजन से होकर आती है। जो विंड आती है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए दिल्ली में इंटर करती है। तो उस विंड में जो है ना जितने भी आपके क्रॉप जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी जितनी भी पॉलिटेंट होती है, जितने भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सारी चीज़ें जो होती है वो एयर के साथ मिक्स होते हुए वो दिल्ली में इंटर कर जाती है। तो स्टबल बर्निंग जो विंटर के टाइम में होती है ये एक चीफ कॉजेज़ है जिसके कारण एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये लार्जली आपका जो होता है वो टेम्प्रेरी स्पाइकली होता है, क्योंकि आपको हर साल ये न्यूज़ देखने को मिल रहा है। अगर आप कंटिन्यूस 2-3 साल से न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ अब पता चल गया होगा। टेरी और अराई जो ARAI है इस सोर्स अपॉइंटमेंट के स्टडी जो आपका 2018 है इसके बेसिस पे देखें तो पॉलिटेंट का जो सोर्स है ना वो इंटायर विंटर सीजन में, स्पेशली जब यहाँ पे डेज होता है तो जब एग्रीकल्चर बर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्हीकुलर इमिशंस, व्हीकल से भी बहुत ज़्यादा इमिशंस होती है। अगर आप देखोगे रजिस्टर्ड व्हीकल जो दिल्ली में है आज के डेट में 2018 में वो 11 मिलियन तक है। 66% जो है वो यहाँ पे टू व्हीलर है जिसको कि हम लोग मेजर एयर पॉल्यूटर्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमिशन स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब है। मोर देन 3.6 मिलियन जो व्हीकल्स है वो यहाँ पे 10 साल से पुराने हैं। तो जितने पुराने गाड़ियाँ होती है उतने ज़्यादा उनमें गंदी इमिशंस होती है। आज के डेट में आप लोग देखते हो कि यहाँ पे ब्लेंडिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल के साथ बढ़ती है, साथ ही पेट्रोल और ये सब में भी आपका जो है कम इमिशंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपका ये सारी जो अभी न्यू जो गाड़ियाँ होती है वो सब अच्छी होती है, उसमें ज़्यादा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता।
लेकिन जो जितने पुराने गाड़ियाँ हैं ना वो सब जो है बहुत ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूट करती है एयर पॉल्यूशन के लिए। इसलिए सरकार इस तरीके की नोटिफिकेशन लगाती है कि 15 साल से पहले वाली जो गाड़ियाँ हैं उसको अब नहीं चलाया जाएगा। तो टेरी की अगर स्टडी देखें तो वो यहाँ पे बताती है कि जो व्हीकल पॉल्यूशंस हैं वो PM2.85 इमिशंस का 28% है, जो कि दिल्ली NCR में है। और अगर हम लोग दिल्ली के अंदर ही ये सोर्सेज देखें तो शेयर ऑफ जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो यहाँ पे 39% है PM2.5 इमिशन की। एक सोर्स इन्वेंट्री और सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी देखे जो कि IIT कानपुर के द्वारा 2015 में किया गया था, तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन निकल कर आई थी कि जो व्हीकल्स है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, डोमिनेंट है, और इसके कारण ही बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होती है। नेक्स्ट यहाँ पे इशू है आपकी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे आप देखोगे कि 3,182 इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि दिल्ली NCR वाले रीजन में, तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और ये बैड क्वालिटी एयर क्वालिटी में 18.6% तक ये ऐड करती है। एज़ पर द टेरी स्टडी से देखें तो जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पे PM2.5 लेवल में 30% तक कंट्रीब्यूट करती है, और स्मॉलर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वो 14% तक। नेक्स्ट यहाँ पे आपका डस्ट है। IIT कानपुर की स्टडी से ये रिवील हुआ है कि सॉइल और जो रोड डस्ट है उसकी भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, और ये आपका PM10 में कंट्रीब्यूट किया जाता है 14% तक। 26% ड्यूरिंग समर है और 14% आपकी ड्यूरिंग विंटर है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे भी अप्रॉक्स जो है 8,370 टन्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है जो कि दिल्ली में हर एक दिन यहाँ पे जनरेट होता है, और ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो 3,240 टन्स पर डे जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके कारण जो है एक सोर्स माना गया है यहाँ पे आपका पॉल्यूशन का। नेक्स्ट जो ब्रिंग क्लिंस है, यानी कि जो आपकी वो सारी इंडस्ट्री जहाँ पे ईंट वगैरह बनती है, तो यहाँ पे भी रफली आप दिल्ली में देखोगे कि 360 ब्रिक लिंकल्स जो है ये मेजोरिटी स्कैटर्ड है आपके झज्जार, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद वाले रीजन में। तो इसमें भी बिजनेस जब पिक में होती है तो कब होती है, ये दिसंबर से जून वाले टाइम में ये जो आपकी जो इंडस्ट्री है काफ़ी पिक पे रहती है, तो उस समय जो इमिशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ओवरऑल अगर हम लोग 5 इमिशन के ऊपर देखें तो यहाँ पे IIT कानपुर है, तेरी है, सफ़र है, और गुटीकुंडा है जो कि दिल्ली NCR में यहाँ पे काफ़ी स्टडी की है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट इमीटर है PM2.5 पार्टिकल्स की, और रोड डस्ट जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है PM10 पार्टिकल्स की। तो ये भी आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छी ये सोर्सेज आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि रीजंस क्या है जिसके थ्रू हम लोग ये जो लिमिटेड सक्सेस देखने को मिलती है, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन पे एक सक्सेस देखने को मिलती है कि ये लोग जो है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाते, तो यहाँ पे रीजंस क्या है। सबसे पहली है कि इफ़िशेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म लाया जाता है जो कि काफ़ी सेंट्रल होता है, और एंटी पॉल्यूशन एफर्ट्स काफ़ी सक्सेस हो पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर देखें तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है वो EPCA के द्वारा नोटिफाइड की गई थी, और इसको इंप्लीमेंट किया गया है एटलीस्ट 16 डिफरेंट एजेंसीज़ के द्वारा, और कुछ जो है वो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में है, कुछ जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर में आते हैं। तो इन जनरल अगर देखें तो यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव लेवल कोऑर्डिनेशन उनके बीच नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली एयर पॉल्यूशन जो है एक रीजनल प्रॉब्लम है। एक स्टडी के द्वारा जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड सिस्टम एनालिसिस के द्वारा और नीरी के द्वारा ये बताया गया है कि अबाउट 60% जो PM2.5 बर्डन दिल्ली में देखने को मिलता है वो यहाँ पे नेबरिंग स्टेट के कारण देखने को मिलती है। इट मीन्स कि ये नेबरिंग स्टेट कौन है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि यहाँ पे वर्क कर पाएगी, क्योंकि ये नेबरिंग स्टेट के कारण इस तरीके की आपकी पॉल्यूशंस जो है वो हाई देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है आपका कंट्रोल किया जाए और कोऑर्डिनेट किया जाए सेंट्रल सोर्सेज के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि दिल्ली को यहाँ पे ज़रूरत है कि वो जो सोर्सेज ऑफ एमिशन है उसको सर्च करें, क्योंकि पास टिकेट में हम लोग देख रहे हैं कि 16 सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडीज़ की गई है और सोर्सेज ऑफ एमिशन जो है वो सेम है सारे स्टडीज़ में। तो कंट्रीब्यूशंस अगर देखें डिफरेंट सोर्सेज से जो कि दिल्ली के पॉल्यूशन में हो रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। ये सिर्फ आपका अंडरस्कोर करेगी दोनों को, यानी कि अनरिलायबिलिटी जो कि एग्जिस्ट कर रही है स्टडी, और डिफ़िकल्ट बना रही है जिसके थ्रू एक एक्यूरेट एस्टिमेशन लेकर आए। तो ये पार्टली क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली की कॉम्प्लेक्स मेट्रोलॉजी है और जो सोर्सेज है उसकी नेचर चेंज हो रही है, तो ये दोनों चीज़ है। फाइनली क्या है कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा। ओनली हाफ द बस है जिसमें कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स जो है वो काफ़ी उसका यूज़ काफ़ी बढ़ते गया है, जिसके कारण जितना ज़्यादा प्राइवेट ऑटोमोबाइल्स की यूज़ होगी उतना ज़्यादा आपको एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। साथ ही जो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी है वो यहाँ पे मैंडेट कर रहे हैं कि कंप्लायंस को वो इन्फोर्स करेंगे, वो भी एयर पॉल्यूशन रूल्स के साथ, जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ये जो गैप है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, ये हमारी पब्लिक कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन करती है, जिसके थ्रू जो एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो डे बाई डे और वर्सन होते जा रही है और ख़राब होते जा रही है।
तो अब देखते हैं कि ऑड इवन स्कीम, आप जानते हो कि बहुत ही फेमस स्कीम है और ये केजरीवाल जी की ऑड इवन स्कीम है। इसके असेसमेंट के बारे में अगर देखें कि ये कितना यहाँ पे हेल्प कर पाती है, जैसे कि एयर पॉल्यूशन जो है वो कम हो पाता है, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट की है ऑड इवन स्कीम, जिसके थ्रू वो एयर पॉल्यूशन को टैकल करना चाह रही है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन कहा है कि इस पॉलिसी की यूटिलिटी के ऊपर, कि क्या ये पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल करती है, और कुछ रेलेवेंट डेटा भी मांगा है कि इससे पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ऑड इवन पॉलिसी जो है इससे हमारी पॉल्यूशन लेवल रिड्यूस हुई है, और यहाँ पे आपके व्हीकल यूसेज को हाफ करके, क्योंकि आपको पता है ऑड इवन क्या था कि ऑड डे के दिन, इट मीन्स कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, सेवन्थ, ये सारे डे के दिन जो ऑड नंबर, जो गाड़ियों की जो ऑड नंबर है, यानी कि जो कार नंबर होते हैं उसमें जो ऑड नंबर है वो ऑड डे के दिन चलेगी, और इवन क्या था कि टू, फोर, सिक्स, इवन डे के दिन जो है ना जो इवन नंबर की गाड़ियां है वो चलेगी। तो इससे क्या हो गया कि सड़कों पे जो है ना व्हीकल्स हाफ़ हो गए, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली की सड़कों में कितने ज़्यादा आपको कार्स देखने को मिलेंगे, तो ये आपका हाफ हो गया। तो इससे क्या हुआ कि पॉल्यूशन भी हाफ हो गई। डिफरेंट स्टडी जो है डिफरेंट वर्डिक्ट्स को यहाँ पे डिलीवर कर रही है, वो भी ऑड इवन इम्प्लीमेंटेड प्रीवियसली जो हुआ है उस पर। अगर हम लोग देखें तो इन्वायरमेंट साइंस एंड पॉलिसी का कहना है कि थ्री पॉकेट्स ऑफ दिल्ली PM 2.5 जो है ना वो यहाँ पे 8 से 10% तक कम हुआ है। अगर अदर पार्ट्स में देखें तो ये सिर्फ 2 से 3% तक ही कम हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम को रेस्ट्रिक्ट करने से ही सिर्फ आपका जो है ना PM 2.5 जो कंसंट्रेशन है वही यहाँ पे कम हो पाया है। सीबी की बात करें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इनका कहना है कि ऑड इवन स्कीम्स जो है ना वो यहाँ पे पॉल्यूशन को रिड्यूस तो कर सका है, बट एक सिंगल फैक्टर्स है और एक्शन है जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से एयर पॉल्यूशन को कम नहीं कर सकते। करंट साइंस की बात करें तो इनका कहना था कि ऑड इवन एक्चुअली यहाँ पे ट्रैफिक इमिशन को इंक्रीज़ की है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो कम्यूटर्स ट्रैवल्ड है वो यहाँ पे ऑड इवन के पहले जो है ना वो किक हुए थे, और कम्यूटर्स जो है वो यहाँ पे दूसरे ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट हो गए। यानी कि अगर फोर व्हीलर में ही ना ये इस तरीके की ऑड इवन थी तो वो लोग क्या किए कि टू व्हीलर पर शिफ्ट हो गए, और टू व्हीलर से आपको पता है कि ज़्यादा डेंजरस, यहाँ पे आपका जितनी भी हार्मफुल गैसेज है वो टू व्हीलर से ज़्यादा डेंजरस निकलती है। तो इनका कहना था करंट साइंस का कि ऑड इवन से और ज़्यादा पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे NCAER इंडिया पॉलिसी फोरम 2017 की, इनका कहना है कि PM 2.5 लेवल जो है वो लोअर हो चुका है 14 से 16% तक ऑन एन एवरेज अगर डे में देखें, और लेकिन यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ा है नाइट में, यानी कि रात में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा है ऑड एंड इवन का, डे में यहाँ पे थोड़ा कम देखने को मिला है पॉल्यूशन लेवल। तो ये आपके चार जर्नल पब्लिकेशन स्टडी है जिसके थ्रू ये बताया गया था कि यहाँ पे ऑड इवन सक्सेस हुई कि नहीं। तो यहाँ पे तीन ऐसी रिपोर्ट है जो कि सक्सेस बता रही है, बस ये करंट साइंस है जो कि यहाँ पे नॉन सक्सेस बता रही है, अनसक्सेस बता रही है। साथ ही यहाँ पे अगर देखें जो भी स्टडीज़ है इन सारे वर्डिक्ट में ऑड इवन का, तो यहाँ पे आपका डिफर हो रहा है, और साथ ही साथ दिल्ली से अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली को यहाँ पे बीजिंग से लर्न करना चाहिए कि वो अपने यहाँ जो है एयर पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कैसे वो टैकल किए, दिल्ली को इससे सीखना चाहिए। चाइना की भी सक्सेस स्टोरी है, अगर हम लोग देखें पॉल्यूशन क्राइसिस बीजिंग में, तो जो चाइनीज़ गवर्नमेंट थे ना उन्होंने काफ़ी एक अप्रोच लेकर आए कि उनके यहाँ यूनिफाइड प्लानिंग है, यूनिफाइड यहाँ पे मॉनिटरिंग है, अल्ट्रिंग है, यूनिफाइड स्टैंडर्ड है, वो भी मल्टीपल कंटिजियस रीजन में। 2017 में क्या है कि एक कंबाइंड वर्क प्लान है जो कि अडॉप्ट किया गया था बीजिंग के द्वारा, ताइजिन के द्वारा, जो कि डिमांड कर रहे थे कि 2+26 सिटीज़ टू डिक्रीज एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ हेवी व्हीकल्स जो कि डे बाय डे यहाँ पे 15% से ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, तो उसको भी कम किया गया। कंबाइंड अगर मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन सिस्टम देखें तो बीजिंग की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इंस्पेक्शन टीम है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है 15 प्रोविंसेस के लिए जो कि यहाँ पे बीजिंग की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सजेशन बताया गया है इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी यहाँ पे आपका जो है इसको आपको ध्यान रखना है। कंक्लूजन में ये बताया गया है कि हम लोग को एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है, साथ ही साथ हम लोग को ज़रूरत है कि एक इफेक्टिव इमिशन इन्वेंट्रीज लेकर आए जिसके थ्रू हम लोग जितनी भी इन्वेंट्रीज है ना उसको हार्मोनाइज कर सके। एक बेटर इमिशन इन्वेंट्रीज को क्रिएट करना है, और इसके थ्रू हम लोग को डेटा ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करनी है, क्वांटिफाई अनसर्टिनिटीज़ करनी है, साथ ही हम लोग को जो मल्टीपल ईयर इन्वेंट्रीज है उसको भी डेवलप करनी है, एक कॉमन गाइडलाइन लेकर आना है, और बहुत सारे मेथडोलॉजी को रिकनसाइल करनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो कि आपको याद होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होती है, तो आप लोग देख सकते हो कि 20 मिनट्स तो फर्स्ट आर्टिकल में ही चले गए। बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और आपके आंसर राइटिंग में बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेगी। साथ ही अगर प्रीलिम्स है, आंसर आपकी मेंस है, इंटरव्यू है, हर चीज़ में आप लोग बता सकते हो ये सारी चीज़ें, है कि नहीं। चलिए अब आगे आते हैं, और ये है हमारी एक्शन प्लान फॉर क्लीनर इंडस्ट्री।
तो अब इसके बारे में देखते हैं न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि रिसेंटली नीति आयोग जो है एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, वो भी क्लीन इंडस्ट्री के ऊपर, जो कि यहाँ पर टास्क फोर्स के द्वारा प्रिपेयर किया गया, और इसमें नीति आयोग और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो दोनों यहाँ पर लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो CII है उसके बारे में समझते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी फाउंडेशन 1895 में हुई थी। ये नॉन गवर्नमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट, इंडस्ट्री लीड और इंडस्ट्री मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी प्राइमरी गोल है कि किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करें, और यहाँ पे गवर्नमेंट को इंश्योर करें, सोसाइटी को भी एज अ होल इंश्योर करें, और यहाँ पे जो भी हमारे इंडस्ट्री को ज़रूरत है वो यहाँ पे लेकर आए। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब बैकग्राउंड में चल कर देखते हैं, नीति आयोग और CII जो है वो यहाँ पे जॉइंट इनिशिएटिव लॉन्च किए, क्लीन एयर बेटर लाइफ, वो भी 2016 में किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जितने भी एयर पॉल्यूशन जो दिल्ली NCR वाले रीजन में है, उसकी इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस किया जाए, और एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की, अकेडमिया की, और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सिविल सोसाइटी की। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो 4 टास्क फोर्सेज जो है वो यहाँ पे बनाई गई थी, जो कि यहाँ पे एक सूटेबल इंटरवेंशन के लिए रिकमेंड किया गया था कि किस तरीके से क्लीन फ्यूल होनी चाहिए, क्लीन ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, क्लीन इंडस्ट्री होनी चाहिए और बायोमास इंडस्ट्री होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे इंडियन जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसकी सोर्सेज को आइडेंटिफाई की है और रिकमेंड की है कि कुछ एक्शन प्लान होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग इंडस्ट्री को यहाँ पे क्लीन कर पाएंगे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे क्लीनर एयर बेटर लाइफ इनिशिएटिव का? सबसे पहला है कि हम लोग को इंटीग्रेटेड अप्रोच को डेवलप करना है, जिसके थ्रू जितने भी पॉलिसी मेकर है, इंडस्ट्री है, एकेडमिया है, सबको एक साथ लेकर आना है। सेकेंड है कि हम लोग को एक अच्छा खासा कंसेंसस बिल्डिंग करनी है, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, और हमारे यहाँ जो दिल्ली NCR वाली जो रीजन में एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। थर्ड है कि यहाँ पे वॉलेंट्री आपका कमिटमेंट होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के तरफ से, वो भी यहाँ पे कैसे, तो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करके। फोर्थ है कि हम लोग को यहाँ पे एक एडरेंस प्रमोट करना चाहिए, जिसके थ्रू हम पॉलिसीज जो एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे बेटर पॉलिसीज़ को यहाँ पे एडवोकेट भी करना चाहिए। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो एयर पॉल्यूशन है उसकी सोर्स क्या है दिल्ली NCR में, तो ये भी आप लोग को पता चल गया, यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो जो टास्क फोर्स है वो यहाँ पे 3 की एयर पॉल्यूटेंट को देख रहे हैं, रोड, सॉइल डस्ट, फ्लाई ऐश और सेकेंडरी पार्टिकल्स। ये 3 ऐसी यहाँ पे मेजर सोर्स है जिसके थ्रू जो है इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन बढ़ रही है। सबसे पहली है फ्यूजिटिव पार्टिकुलेट मैटर इमिशन। एयर पॉल्यूटेंट देखें तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स है और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ से भी, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक जो डिस्चार्ज पॉइंट है उसको यहाँ पे अपोज कर रही है, जैसे कि एग्जॉस्ट होना, स्टैक होना, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग फ्यूजिटिव इमिशन कहते हैं, जैसे चिमनी से धुआं निकलती है, पाइप से, वेंट से, डक्ट से, तो ये सारी पॉइंट सोर्सेज है जहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इमिशन होता है। फ्यूजिटिव इमिशंस की बात करें तो इसमें एक अच्छा खासा पोटेंशियल है कि किस तरीके से हम लोग ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे डिस्चार्ज, डिस्पर्स जो है वो ग्राउंड में आपको देखने को मिलेगा। अलाइड कंट्रीब्यूशंस इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि रेडी मिक्स, कंक्रीट बैचिंग प्लांट है, स्टोन क्रशर है, ब्रिक किल्न्स है, तो ये हमारे जो है फेरी जो दिल्ली NCR है उसमें कंसनट्रेटेड है और एक हमारी फ्यूजिटिव PM इमिशंस की ये सोर्सेज भी है। सेकेंड है कि यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड इमिशन की बात करें तो एनर्जी रिलेटेड जो इमिशन है वो यहाँ पे डाइवर्स इंडस्ट्रियल सब सेक्टर से ओरिजिनेट हो रही है, और ये हमारे किस चीज़ से रिलेटेड है, तो कैसे हम लोग जो डीजल जनरेटर है उसको यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सारे सब सेक्टर में ये आपका सेट किया गया, जैसे कि टेलीकॉम में, IT में, हॉस्पिटैलिटी में, रियल इस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, तो ये सारी चीज़ों में। सेकेंड है कि गैसेस एंड पार्टिकुलेट मैटर इमिशंस, जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन यूनिट में है और ये हमारा 300 किलोमीटर ऑफ दिल्ली के विदिन में ही है। थर्ड है कि यहाँ पे कोल और जो वुड है उसके यूज़ को, जो कि हम लोग तंदूर को फायर करते हैं होटल में और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो ये 3 चीज़ है जहाँ पे हमारे एनर्जी रिलेटेड जो इमिशन है वो होती है। ओके, अब यहाँ पे आपका इनबॉक्स बताया जा रहा है कि एयर पॉल्यूशन कैसे समर और विंटर में होती है, तो इस रिपोर्ट में कुछ एड्रेस किया गया है कि एयर पॉल्यूशन की सोर्सेज और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कि समर में अलग देखने को मिलता है, विंटर में अलग देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर हम लोग देखें तो रोड और सॉइल डस्ट से हैं, फ्लाई ऐश से है जो कि समर में है, क्योंकि ड्राई वेदर जो आपकी कंडीशंस है और हाई विंड स्पीड जो है ना, इसके कारण यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें आपका एक डस्ट स्टॉर्म भी इंक्लूड है साथ ही, जिससे कि डस्ट और फ्लाई ऐश पार्टिकल जो है ना वो एयर बॉर्न होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। ओके, विंटर में और समर में आप देखोगे हर एक चीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सबसे नीचे जो है वो है आपकी यहाँ पे सेकेंडरी पार्टिकुलेट, तो विंटर में आप देख सकते हो कि सेकेंडरी पार्टिकुलेट जो है 30% तक यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करती, वहीं समर में आधा 50% तक। वहीं अगर आगे बढ़े और बायोमास बर्निंग देखें तो ये भी हमारे विंटर में ज़्यादा होती है और समर में कम होती है।
व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स आप देख सकते हो 25% होती है विंटर में, समर में ओनली 9% होती है। वही अगर सॉलिड वेस्ट बर्निंग में जाए तो सॉलिड वेस्ट बर्निंग समर में ज़्यादा होती है और विंटर में कम होती है। समर में 26% है, विंटर में 8% है। कोल एंड फ्लाई ऐश देखें तो ये भी हमारे समर में ज़्यादा है और विंटर में कम है। तो इसके बाद जो है आपका सॉइल एंड रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये सब आपका समर में ज़्यादा है और विंटर में कम है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सोर्सेज जो समर और विंटर पॉल्यूशन में वो अलग अलग है। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे रिकमेंडेड है कि एक्शन प्लान होना चाहिए क्लीन इंडस्ट्री के लिए। तो इस रिपोर्ट के द्वारा दो डिफरेंट सेट बताया जा रहा है। सबसे पहला है कि प्रिवेंशन और कंट्रोल होना चाहिए जो भी हमारे फिजिटिव पीएम इमिशन है। पहली चीज़ है यहाँ पे कि मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए क्लीन कंस्ट्रक्शंस के लिए, जो कि काफ़ी ज़रूरत है कि ये इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफाइड हो। और यहाँ पे बिल्डिंग परमिट अप्रूवल होनी चाहिए बाय लोकल बॉडीज, अथॉरिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा है। सेकेंड है कि हम लोग को ग्रीन इंसेंटिव्स को यहाँ पे लिंक करना है और ये भी क्लीन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल इंसेंटिव्स होनी चाहिए जो कि कुछ प्रोजेक्ट में कन्फर किया जाए और प्रोविजनली ये आपका रेटेड है कि कैसे यहाँ पे आपको जो है रेटिंग सिस्टम के द्वारा बिल्ड किया जा रहा है, जैसे कि गृहा है, IGBC है, लीड्स है, तो इन सब के द्वारा जो है ग्रीन इंसेंटिव्स दिया जाता है। मैंडेटरी है यहाँ पे एकदम से है कि फ़ंड एलोकेट करनी है जिसके थ्रू ए क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग कर सके। तो ये रिकमेंड किया जाता है सिटीज़ टाउन को जो कि नॉन कम्प्लाइंट होते हैं नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से। तो यहाँ पे आपका जो है कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है जो कि एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि एक प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे हम लोग को जो बिल्डिंग कोड है उसको स्ट्रेंथन करनी है, बाय लॉ को भी यहाँ पे बनानी है, वो भी अच्छी खासी एयर क्वालिटी के लिए, तो ये भी रिकमेंड किया गया है। साथ ही हम लोग को कैपेसिटी को भी डेवलप करना है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। तो जो लोकल बॉडीज़ है उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि उनके पास एक अच्छा खासा रिक्वायर्ड रिसोर्सेज होनी चाहिए, इक्विपमेंट होनी चाहिए जिसके थ्रू जो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस है NCR में उसको वो मॉनिटर करे और इन्फोर्स कर सके। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं जो एनर्जी रिलेटेड इमिशन है उसको हम लोग कैसे मिटिगेट कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि क्लीन फ्यूल्स और जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको प्रायोरिटी में देनी होगी। हम लोग को NCR वाले रीजन में ये ज़रूरत है, साथ ही दूसरे डेंस अर्बन एरिया में भी ज़रूरत है जो कि बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी, पुअर एयर क्वालिटी से सफ़र कर रहे हैं। कि यहाँ पे जो ज़रूरत है वो यहाँ पे आपका रिकमेंड किया गया कि सबसे पहले जो गैस है ना वो यहाँ पे थर्मल पावर यूनिट के बेसिस पे होना चाहिए। कोल की बात करें तो वो भी थर्मल पावर यूनिट पे होना चाहिए और यहाँ पे एडवांस इमिशन कंट्रोल हो जो कि सल्फर डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, PM का है। फिर यहाँ पे हमारे बायोमास को फायरिंग को इंसेंटिव्स देनी चाहिए जो कि आज के डेट में कोल पावर यूनिट में एग्जिस्टिंग है। उसके बाद आप लोग देखोगे कि फ्यूल स्विच होनी चाहिए, डीजल जनरेटर, होटल और अगर हम लोग रेस्टोरेंट की बात करें तो फ्यूल इंजेक्शन जो किट होता है और गैस पावर जो जनरेटर होती है वो कमर्शियली काफ़ी फिजिबल ऑप्शंस होती है उस प्लेस में जहाँ पे आपका गैस अवेलेबल होता है। तो गैस की यूज़ और इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड तंदूर की जो लोकेशन होती है, तंदूर की जो यूज़ होती है लोकेशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पाइप नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है तो वहाँ पे होना चाहिए। इमिशन नॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो सारे डीजल जनरेटर के लिए होनी चाहिए, यानी कि जो बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी की जो अडॉप्शन है और जो इमिशन स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे आपका इमिशन नॉर्म्स में सब में होना चाहिए, वो भी सारे डीजल जनरेटर के लिए। और मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। साथ ही पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रीजम होनी चाहिए। यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि रियल टाइम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल एक रीजम हो जिसमें कि आपका इनोवेशन और कॉस्ट इफेक्टिव जो मॉनिटरिंग और जो मेजर्स है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि जो इमिशन नॉर्म्स है वो सारे डीजल जनरेटर के लिए होनी चाहिए। हमें एक बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, इमिशन स्टैंडर्ड को, जो कि एक स्ट्रिक्ट इन यूज़ इमिशन नॉर्म्स होनी चाहिए सारे डीजल जनरेटर के लिए और मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखें तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रीजन है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को रियल टाइम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल रीजन को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है जिसमें कि एक इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग और कंप्लाइंस मेजर्स होनी चाहिए, जैसे कि रैंडम चेक हो, जो भी पोर्टेबल आपकी इमिशन मेजरिंग सिस्टम है तो उसका एक रैंडम चेक होना चाहिए, क्राउड सोर्सिंग होनी चाहिए, कंप्लाइंस हेल्पिंग जो कि आपकी कंप्लाइंस का, जो कि यहाँ पे सिटीजन्स को विजिबल पॉल्यूटेंट जो डीजल इक्विपमेंट है उसको देखने में, उसको हेल्प करने में ये मदद करें। ओके, तो मदद करने यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए हेल्प करें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपकी मिटिगेशंस भी बताई गई है एनर्जी रिलेटेड इमिशंस को, तो ये भी आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक बात बताई जा रही है कि बायोमास को फायरिंग होती क्या है। बायोमास को फायरिंग स्टैंड फॉर जो बायोमास है उसमें अगर कुछ एडिशन चाहिए एज ए पार्शियल सब्सटिट्यूएंट जो आपकी फ्यूल है
वो भी हाई एफिशिएंसी कोल बॉयलर में, तो इसको हम लोग बायोमास को फायरिंग कहते हैं। को फायरिंग एक लो कॉस्ट ऑप्शन है जो कि हम लोग बायोमास को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और एक अच्छा खासा इफिशियंट और क्लीन वे है जिसके थ्रू हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशंस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जो आज के डेट में पॉलिसी एग्जिस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, तो वो यहाँ पर रिकमेंड की है कि को फायरिंग जो है वो अप टू 5 to 10% बायोमास में होनी चाहिए जो आज के डेट में कोल थर्मल पावर यूनिट में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको इस आर्टिकल के थ्रू पता चला। अब आते एक और आर्टिकल देख लेते हैं जो कि है रोड मैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया, यानी कि क्लीन कुकिंग एनर्जी इन इंडिया को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे रोड मैप बनाई जा रही है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है रिपोर्ट रोड मैप फॉर एक्सेस टू क्लीन कुकिंग एनर्जी वो इंडिया, ये आपका रिलीज़ हुआ है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपका डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा जो भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये रिपोर्ट के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिपोर्ट जो है एक स्ट्रैटेजी दे रही है कि सारे कुकिंग के इस्तेमाल को किस तरीके से एलिमिनेट किया जाएगा जिसके थ्रू एयर पॉल्यूशन घर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग जानते हो कि जो चूल्हा वगैरह में जो खाना पकता है, यानी कि जो आपके काउडंग को यूज़ करके, जो आपकी लकड़ियों को यूज़ करके जो खाना बनाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो वो घर के अंदर होता है। अब तक तो हम लोग घर के बाहर की बात कर रहे थे, अब घर के अंदर देख लेते कि किस तरीके से एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये बात होती है, तो ये पूरी तरीके से एलिमिनेट करनी है 2025 तक, ये टारगेट रखा गया है। 68 राउंड देखने को मिला है NSSO का जो कि 2011-12 में थी, वो यहाँ पे रिवील की थी कि 2/3 जो हाउस होल्ड है रूरल इंडिया में, जहाँ ग्रामीण वाले क्षेत्र में, तो अभी भी फायरवुड और काउडंग से जो है उनकी प्राइमरी कुकिंग फ्यूल की ज़रूरत पूरी होती है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि गांव वगैरह में ऐसा इस तरीके से खाना बनता है। यहाँ पे बायोमास को बर्न किया जाता है जिसके थ्रू खाना पकती है, और इसके थ्रू जो है HAP का रिजल्ट होता है, जिससे कि हम लोग देखते हो कि 8 लाख प्री मेच्योर डेथ होती है, यानी कि टाइम से पहले ही प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। इसमें वीमेन और चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि खाना जो बनाती है वो वीमेन बनाती है और बच्चे भी घर पर ही रहते हैं, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा ये पुअर इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम लोग अप्रैल 2019 तक देखें तो 94% जो हमारे इंडियन के हाउस होल्ड है उसमें अब LPG कनेक्शन है। एक रिसेंट स्टडी के द्वारा ये बताया गया था कि 600 जो हमारे मोस्ट एनर्जी एसेस डिप्राइव्ड स्टेट है, यानी कि जहाँ पे भी अभी तक एनर्जी पूरी तरीके से नहीं मिल रही है, वो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और UP, और साथ ही वेस्ट बंगाल भी। तो यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि ओनली 1/3 जो हमारे रूरल पॉपुलेशन है वो यहाँ पे LPG को यूज़ करते हैं एज ए प्राइमरी कुकिंग फ्यूल। तो यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल बताया जा रहा है कि क्लीन कुकिंग जो एनर्जी है उसकी रोड मैप के बारे में। सबसे पहला है कि एक अच्छा खासा अप्रोच होना चाहिए हर एक रीजन में, पर्टिकुलरली अगर कोल्डर रीजन की बात करें, जो ठंड वाली रीजन है जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि वहाँ पे अल्टरनेटिव होनी चाहिए कि वहाँ पे जो स्पेस है उसको कैसे हीट किया जाए, दूसरी हीटिंग रिक्वायरमेंट भी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों। साथ ही सेकेंड है कि मल्टी डायमेंशनल और मल्टी फ्यूल अप्रोच होना चाहिए। रूरल एरिया में जो है एडिक्वेट कैटल प्रोडक्शंस होता है, तो यहाँ पे फोकस जो है वो यहाँ पे LPG का बायोगैस के साथ कंप्लीट करना है। साथ ही थर्ड है कि मल्टी स्टेक होल्डर की अप्रोच होनी चाहिए जिसके थ्रू ये जो एडॉप्शन थे ये हमारे इम्प्रूव हो सके। इकोसिस्टम जो बेस्ट अप्रोच है वो लेकर आना चाहिए जिसके थ्रू जो भी चैलेंजेस है वो हम दूर कर सके। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ को, इंटरप्राइजेस को, ऑयल मार्केटिंग और अर्बन गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डोनर्स, फाइनेंसर्स, कंज्यूमर्स, इन सबको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए। एक्सेस जो हमारी क्लीन कुकिंग एनर्जी का है वो एज अ डेवलपमेंट गोल होनी चाहिए, जिसमें कि हम लोग जो क्लीन कुकिंग एनर्जी की जो एक्सेस है उसको इंटीग्रेट कर सके, वो भी आज के डेट में जो गवर्नमेंट स्कीम एग्जिस्ट करी है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की उसके साथ। अब यहाँ पे आपकी एक बहुत अच्छी फिगर बनाई गई है जो कि बताया जा रहा है कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स होनी चाहिए क्लीन कुकिंग एनर्जी सेक्टर में इंडिया में। तो सबसे पहले कि हमारे सिविल सोसाइटी है, कंज्यूमर है, डोनर है, क्लीन कुकिंग ये आपकी एनर्जी है, साथ ही गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड एजेंसीज हैं, तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या स्ट्रैटेजीज लेनी चाहिए जिसके थ्रू जो एक्सेस टू ऑल क्लीन कुकिंग एनर्जी सॉल्यूशन है उसको हम लोग पूरा कर सकें। सबसे पहला है कि फ्यूल एंड स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि LPG है जिसमें यहाँ पे ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जिसके थ्रू हम लोग थर्मल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सेकंड है कि हम लोग को लो इंटरेस्ट लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना है हाउस होल्ड में, वो भी LPG रिफिल के लिए, और ये SHG के थ्रू होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के थ्रू होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्यूल का टाइप जो है वो यहाँ पे पाइप नेचुरल गैस है, तो हम लोग को क्रेडिटेड जो लिंक्ड इंस्टॉलमेंट है PNG कनेक्शन के लिए उसको यहाँ पे रखना है। हम लोग को एक प्रिपेयर्ड मीटर्स को अडॉप्ट करनी है, डिसेंट्रलाइज करनी है हमारे LNG की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को।
दूसरी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बताई जा रही है कि हम लोग को अवेयरनेस इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लोगों को यहाँ पे बताना है, जो भी बायोमास चूल्हा पे खाना बनाते हैं तो उनको यहाँ पे हेल्थ इम्पैक्ट के बारे में बताना है। तो ये जो काम किया जा सकता है, ये सब सेंटर्स के द्वारा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा, आशा के द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा ये किया जा सकता है। साथ ही है यहाँ पे कि हम लोग को मार्केट और कंज्यूमर्स को समझने की ज़रूरत है। ये वो भी यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कंज्यूमर सेगमेंटेशन के थ्रू होगा, जिसमें कि आप फूड हैबिट्स देखोगे कि कैसे वो चाहते हैं इसको पे करना, फ्यूल मिक्स कैसे करते हैं वो यहाँ पे, फ्रिक्वेंट जो कुकिंग करते हैं उनके लिए उसको क्या चाहिए, करेंट स्टोव जो है, ये सारी चीज़ें उनको ज़रूरत होनी चाहिए। साथ ही हम लोग को यहाँ पे ज़रूरत है कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को समझना, जैसे पॉलिटिकल विल होती है, लोकल नेटवर्क्स है, इन्फ्लुएंसर्स है, कंज्यूमर परसेप्शंस है, हाउस होल्ड है, कम्युनिटी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स है। तो इन सबको ज़रूरत है कि यहाँ पे समझ सके वन सॉल्यूशन जो है वो सारे अप्रोच में फिट हो जाए। साथ ही हम लोग को एक फोकस लेकर चलना है कि किचन डिज़ाइन और वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी कि हर एक घर में जो आपके किचन है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना हो और खाना बनाने के लिए एक अलग से किचन हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण क्षेत्र में लोग एक ही रूम में रहते हैं और वहीं पर भी किचन करते हैं। इवन ग्रामीण क्षेत्र की बात नहीं है, हम लोग जब पीजी में भी थे, बहुत सारे लोग हैं जो 1 BHK फ्लैट भी लेते हैं या फिर पीजी में भी रहते हैं, तो जिस रूम में वो लोग रहते हैं उसी रूम में वो लोग चूल्हा वूल्हा बना के खाना, हालांकि हम लोग स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग कहीं देखोगे तो एक ही रूरल इंडिया में जो है, एक ही जगह पे जहाँ पे रहते हैं, खाते सोते वहीं पे खाना भी बनाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, खाना बनाने के लिए एक अलग से किचन होनी चाहिए। साथ ही हम लोग को डेटा अवेलेबिलिटी जो यहाँ पे एनर्जी एक्सेस के लिए है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हम लोग को एक अल्टरनेटिव भी देना है और इसके लिए फाइनेंशियल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है, तभी यहाँ पे हम लोग की जो रूरल इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे दूर हो पाएगी, और लोग जो यहाँ पे चूल्हे में घुसे रहते हैं, चूल्हे में ही खाना बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स जो बायोमास चूल्हा होता है जो कि फायरवुड और जो आपकी काउंटिंग केक से बनती है उसके द्वारा जो बनाई जाती है, उसको यहाँ पे छोड़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे इनबॉक्स बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है और एक अल्टरनेटिव कुकिंग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही है। एक है कि उन्नत चूल्हा अभियान है जो कि 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसके थ्रू जो बायोमास कुक स्टोव है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है और यहाँ पे जो कंजप्शन है फ्यूल का उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। सेकेंड है कि नेशनल बायोगैस एंड मैन्योर मैनेजमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे हर एक फैमिली टाइप हाउस होल्ड को बायोगैस प्लांट यहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है, जिसके थ्रू जो उनकी कुकिंग एनर्जी नीड्स है वो यहाँ पे पूरी हो पाएगी। फिर सोलर कुकर जो है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिससे कि इंडोर जो एयर पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कम हो पाएगा। तो ये सब अल्टरनेटिव कुकिंग सॉल्यूशंस है जो कि आपको याद रखना है। ओके सो गाइस, आज के लिए हम लोग ये 3 आर्टिकल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा हो गए ये 3 आर्टिकल, बहुत ही लेंदी लेंदी थी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट के साथ, जो कि इमिशन गैप रिपोर्ट के साथ, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को भी मिलेगा। ओके सो गाइस, आज के लिए बस इतनी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।